गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंग साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से कमल किशोर खुराना पंजाबी बाग नई दिल्ली से मिलने आए। मैं उनके साथ गुरुद्वारा के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था उसके काउंसलिंग रूम में कॉफी पीते हुए उनके कुंडली पर चर्चा करने लगा। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है और कई बार उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ भी जाती है। मैंने देखा कि उनका दूसरा घर बिगड़ा हुआ था। कुंडली का दूसरा हाउस हमारे बोलने के ऊपर में डिपेंड करता है, हमारी वाक चातुर्य के ऊपर में डिपेंड करता है। वहाँ पर बुध का बिगड़ा हुआ होना उनको बहुत अधिक वाचाल बना रहा था, बोलने वाला बना रहा था, पर यदि उसमें गुरु का प्रभाव होता तो शायद वो बोलने में विद्वत्ता आ जाती, या चंद्र का प्रभाव रहता तो थोड़ा साइलेंट बोलते वो, पर वो नॉन स्टॉप बोल रहे थे। जीवन के इस आपाधापी में मौन रहने का अभ्यास मन को शासित करने की एक प्रभावी तकनीक है। हर आदमी को 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट पूरे तरह मौन रहने का फैसला करना चाहिए। शांत जगह पर बैठकर वह 15 मिनट तक मौन की कला का अभ्यास करें। कमल किशोर खुराना को भी मैंने यही सलाह दी, किसी से बात ना करे, कुछ ना लिखे और कुछ ना पढ़े, कम से कम सोचे, अपने दिमाग को न्यूट्रल गियर में डाल दे। शुरुआत में यह आसान नहीं होगा क्योंकि दिमाग में तरह तरह के विचार आएंगे, परंतु धीरे धीरे अभ्यास करने से आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे। अपने मन को पानी की तरह, सतह की तरह समझे और यह कोशिश करें कि इसका सतह पर कोई लहर ना हो। जब आप शांत अवस्था हासिल कर ले तो सामंजस्य, सौंदर्य और ईश्वर की उन गहरी ध्वनियों को सुने जो मौन में पाई जाती है। मौन वह तत्व है जिसमें महान वस्तुएं अपने आप आकार लेती हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि शोरगुल हमारे तांत्रिक तंत्र को इतना प्रभावित करता है कि हम आंतरिक शांति खो देते हैं। इसका हमारे स्वास्थ्य और कार्यकुशलता पर गहरा असर पड़ता है। आधुनिक जीवन की परिस्थितियों में जीने की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि मौन का अभ्यास करना अब उतना आसान नहीं रह गया है। भौतिक विकास ने प्रकृति को, निर्वता को छीन लिया है। आधुनिक जीवन में दूरियां खत्म होती जा रही है, उसी के साथ समय के वे तत्व भी खत्म होते जा रहे हैं जो हमारे शांतिपूर्ण जीवन के सबल हुआ करते थे। अतः आज की भागदौड़ भरे दौर में यदि 15 मिनट मौन के लिए निकाल ले तो बहुत है। मेरी बातें सुनकर कमल किशोर खुराना ने मौन का अभ्यास करने का प्रयास करने की बात कही। मैंने उन्हें कहा कि यह मौन का जब आप अभ्यास करने लगोगे तो धीरे धीरे आपके बोलने में बैलेंस आएगा, आप वो चीज बोलोगे जिससे सामने वाला प्रभावित हो। कमल किशोर खुराना का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था और अधिक बोलने या अधिक वाचलता के कारण कई बार अपने अच्छे ग्राहक वो खो सकते थे और ऐसा हुआ भी था। इस बात का कमल किशोर खुराना ने अभ्यास किया और कुछ ही दिनों में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए।
और उनके कामकाज में, उनके पर्सनल रिश्तों में भी, बेटों के साथ, पत्नी के साथ, अन्य लोगों के साथ, उसमें एक गहराई और गर्माहट का निर्माण हुआ। इतना ही नहीं तो उनको एक विद्वत्तापूर्ण आभा मंडल प्राप्त हुआ। एक दिन वो लंगर सेवा के लिए कुछ रसद देने आए थे, तो उन्होंने मुझे इस बिगड़े हुए बूथ को मौन से किस तरह सुधारा गया उसके लिए मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि इसका मुझे बहुत बड़ा परिणाम प्राप्त हुआ है जो मेरे जीवन में सुख शांति संपन्नता लाता है। धन्यवाद।